बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मेरा नाम मोहसिन और आप देख रहे हैं फॉरेक्स सीखो। आज हम जो प्राइस एक्शन की क्लास नंबर 3 जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, और इसमें हमने पिछली जो क्लास थी उसमें हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखा था। आज हम ट्रेंड लाइंस को ड्रा करना सीखेंगे, और ट्रेंड लाइन यकीन करें कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रेंड लाइन को बनाना सीख गए, उस पर इम्प्लीमेंट करना सीख गए, तो आप 100% नहीं तो 70% 60% आसानी के साथ अपनी ट्रेड को जो है वो पॉजिटिव कर सकते हैं, प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। आप नेक्स्ट लेवल्स को देख सकेंगे, और आप अगर होल्ड करना चाहें मार्केट में तो आप कितनी टाइम तक होल्ड करना चाह रहे हैं वो सारा आपको नज़र आएगा। लेकिन एक मेरी शिकायत है आप दोस्तों से, पाकिस्तानी कौम शायद इस चीज़ को जानती नहीं है कि ट्रेडिंग को सिखाने की जो फीस है वो कम अज़ कम, अगर कोई चार्ज करता है कम अज़ कम, जिसको ट्रेडिंग आती है, जिसको आने की बात करूँ, कुछ लोग तो इसको 3,000 रुपये में 1,000 रुपये में भी सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, इतने में कोर्स दे रहे होते हैं। लेकिन मैं बात करूँ जिनको ट्रेडिंग आती है, अगर ट्रेडिंग आती है तो वो कभी भी आपको $1,000 से कम में नहीं सिखाएंगे, ये हकीकत बात है, अगर उनको ट्रेडिंग आती है तो। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इस चीज़ की कदर आपने पता नहीं कब करनी है और कैसे करनी है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में जस्ट बोला था कि आप इसके ऊपर 500 लाइक्स पूरे कर दें, 4,000 उसके ऊपर व्यूज़ आए हैं, लेकिन 500 लाइक्स कंप्लीट नहीं हुए। क्यों कंप्लीट नहीं हुए? क्योंकि लोग उसको भी नेगेटिव सोच रहे होते हैं कि पता नहीं लाइक करूंगा तो ये बंदा अमीर हो जाएगा। यार आपके हाथ से या आपकी आप मतलब इस वाले से नहीं है कि आप मुझे रिज़िक दे सकें या मैं ना इस काबिल हूँ कि मैं आपको रिज़िक दे सकूँ। आपका रिज़िक भी अल्लाह ताला ने देना है और मेरा भी अल्लाह ने ही देना है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा सा पॉजिटिव होकर सोचा करें कि एक इंसान अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें बता रहा है, और जो इतनी कॉस्टली चीज़ें हैं, मैं अभी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें, अभी लास्ट हमने गोल्ड की पर जो है फोरकास्ट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो टीपी था जो मैंने बताया था वो हिट किया, और वो नॉलेज की वजह से है। अगर आपके पास इल्म है तो आप आसानी के साथ प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। ट्रेडिंग भी एक मतलब कि इतना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आप उसको सीख के करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो देन आप उसके अंदर जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव होकर सोचा करें यार, वीडियो शेयर किया करें, लाइक किया करें, ताकि दूसरे दोस्तों तक भी पहुंच सके, ठीक है। और अगर मैं सिर्फ पैसे ही कमाना चाह रहा होता, वीडियोस और भी बना सकता हूं मैं, लेकिन ये है कि या मैं अपनी ट्रेडिंग करता रहता। मेरी कोशिश है कि आप लोग सीखें, इसको इम्प्लीमेंट करें, और जो लोग इतनी बड़ी बड़ी फीसेस दे रहे हैं और आगे वो उनसे वहाँ से कुछ सीखते नहीं हैं, तो वो यहाँ से कम अज़ कम यार सीखें। मेरा अभी भी जो मैं फोरकास्ट करता हूँ, मेरा मेन मकसद आपको ये नहीं होता कि आप यहाँ से ट्रेड कर लो, बाय कर लो या सेल कर लो। मेरा मेन मकसद ये है कि आप उस चीज़ को सीखें कि मैं यहाँ पे क्या इम्प्लीमेंट करवा रहा हूँ आपसे, आप उसको पॉजिटिव होकर सोचें। और इस वीडियो के ऊपर लाइक्स आने चाहिए, आप 1000 लाइक आपने जल्दी से करना है, और अपने दोस्तों तक शेयर करें यार, अब किसी और में फैलाएंगे तो जहरी बात है वो भी इससे फ़ायदा उठा सकेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, हम सीखते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया हुआ तो गलती की हुई आपने, क्योंकि आपको वीडियो मिस होंगी और आप प्रॉपरली सीख नहीं सकेंगे। देखें, ट्रेंड लाइन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और हमेशा मार्केट किसी ना किसी ट्रेंड में चलती है। अगर मैं यहाँ पे आपको डेली के कैंडल्स दिखाऊं, डेली का चार्ट दिखाऊं, तो यहाँ पे अगर इसको हम जूम आउट करके देखें तो ये देखें, आप इसको आसानी के साथ जज कर सकते हैं कि मार्केट कुछ ऐसे चल रही है। ये एक ये ऊपर वाला मेन ट्रेंड है, और नीचे वाला आप ऐसे कर लो ये ट्रेंड है, ठीक है। ये उसके बाद अगर हम आप देखिए कितना आसान हो गया, सिर्फ हमने इन ट्रेंड लाइन को बनाया तो हमें पता चल गया एक चीज़, तो हमें ये पता चली कि ये मार्केट जो है वो बीरिश ट्रेंड के अंदर है। मार्केट लगातार गोल्ड के जो प्राइसेस हैं वो गिर रही हैं, और गिरना कहाँ से शुरू हुई, यहाँ से। ये इसने हाई बनाया था 2075 का, 70 का, और उसके बाद ये अभी 1600 पे आ, यानी कि $200-$300 जो है वो इसका प्राइसेस में कमी आई है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट इसी रेंज में जो है ना वो रहते हुए काम कर रही है। उसके बाद अगर हम इसको मजीद करें
तो यहाँ से देखें आप इसका एक ये भी बना सकते हैं, बल्कि मैंने अपनी जो ट्रेडिंग में उसमें सिखाया भी था, एक सिग्नल मैंने आपको दिया, सिग्नल नहीं यानी कि आपको सिखाने की कोशिश की थी इसमें ट्रेडिंग में, तो ये मैंने आपको बताया भी था कि ये इसका एक ट्रेंड है। और यहाँ पे देखिए इसने काफ़ी ज़्यादा फॉलो किया, अब जैसे ही इसने इस एरिया को ब्रेक किया तो नीचे से फिर उसी एरिया को टेस्ट कर रहे, और उससे टेस्ट करने के बाद ये टेस्ट इसने किया दोबारा गिरा। तो इसी तरह से हम मजीद भी देखते हैं कि आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं इसमें। हाई टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड लाइंस होती हैं वो मेन ट्रेंड्स हैं, और हमेशा मार्केट जो है वो मेन ट्रेंड्स के अंदर मूव करती है, वो स्ट्रांग, जितनी ज़्यादा टाइम फ्रेम हाई टाइम फ्रेम होगा उसमें इतना ही वो स्ट्रांग जो है ना उसकी होगी। अच्छा पहले तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अगर आप मंथली का ये वाला चार्ट देखना शुरू कर दे देंगे तो आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है, वीकली चार्ट देखना भी इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आप वीकली चार्ट देख सकते हैं लेकिन सिर्फ उसके मेन लेवल्स को देखने के लिए, मेन आप जज ना करें इसमें कि आपने ट्रेंड्स कहाँ से फाइंड आउट करना है। उसकी रीज़न क्या है कि ये जो मंथली और वीकली के चार्ट्स हैं ये वो लोग देखते हैं जो लॉन्ग टर्म ट्रेड करते हैं, मतलब उन्होंने होल्ड करनी होती है ट्रेड्स 6 महीने 1 साल, और वो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, समझ आ रही है। हमने ट्रेड अगर करनी है एक वीक के अंदर हमने ट्रेड करनी है, या हम डेली डे ट्रेडर्स हैं या स्विंग ट्रेडर्स हैं, तो हमें शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। और ये दोनों टाइम फ्रेम्स तो आप देखें ही ना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमारे मतलब के उस अमाउंट के हिसाब से। हाँ अगर आप इन्वेस्टर हैं लॉन्ग टर्म ट्रेड करना चाहते हैं, यानी कि आपने यहाँ पे ट्रेड लगाई तो उसको होल्ड करना चाहते हैं 6 6 महीने या एक एक साल भी, तो फिर तो आप इस टाइम फ्रेम को देख सकते हैं। अदरवाइज इसके मेन लेवल्स आपको पता होने चाहिए कि वीकली बेसिस पे क्या लेवल्स हैं, जैसे कि अभी ये वीकली लो पे खड़ी है मार्केट, लेकिन यहाँ पे जो एक ट्रेंड चल रहा है वो डाउन ट्रेंड है वीक के अंदर, तो ये एक सबसे स्ट्रांग ट्रेंड है। फिर डेली का जो स्ट्रांग ट्रेंड है ठीक है, उसके बाद जो है वो हम जितना लोस्ट टाइम फ्रेम होगा इतना उसका ट्रेंड जो है वो मजबूत नहीं होता, ठीक हो गया। लेकिन हम ट्रेड जो करते हैं वो हमने बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से उसको देखना, जज करना है कि हमारा जो मेन टाइम फ्रेम है उसमें क्या ट्रेंड चल रहा है, और फिर उसके हिसाब से हम जो शॉर्ट टाइम फ्रेम्स हैं उनको देखते हैं। अब फर्ज करेंगे मैं आपको 15 मिनट में कुछ लगा के बताता हूँ, और आप हैरान होंगे कि इसी तरह से मार्केट मूव करी। पहले हम H1 में देखते हैं, चले H1 में देखते हैं। अच्छा जो ट्रेंड लाइंस होती हैं वो आप मुख्तलिफ तरीके हैं ट्रेंड लाइन को ड्रा करने के, कुछ कई लोग जो हैं वो कैंडल स्टिक के ऊपर जो है वो ड्रा करते हैं, कई लोग लाइन चार्ट के ऊपर ड्रा करते हैं। अब लाइन चार्ट और कैंडल स्टिक में ड्रा करने का जो डिफरेंस है वो क्या है, उसकी रीज़न क्या है। अगर आप लाइन चार्ट पे ड्रा करेंगे तो लाइन चार्ट जो होता है ये आपको पता है सिर्फ क्लोजिंग वैल्यू देता है, यानी कि अब जैसे कि हम ये H1 के लाइन चार्ट देख रहे हैं, और इसमें जहाँ पे ये अभी ये जो H1 अभी चल रहा है, अभी ये मार्केट चल रही है 17:23 पे, और अभी 9:27 हुए हैं, ये जो ये वाला एरिया ये क्लोज होगा 10 बजे, जैसे ही 10 होंगे तो जहाँ पे मार्केट होगी वो उसको होल्ड कर लेगा और नई कैंडल वो नई लाइन शुरू होना शुरू हो जाएगी। जैसे कि ये सारे जो आप डार्ट्स देख रहे हो ये क्लोजिंग के डार्ट्स हैं, तो क्लोजिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बजाय के हाई लो के, वो हाई लो जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है अपनी जगह पे, लेकिन जो क्लोजिंग है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ पे मार्केट क्लोज होती है वो ज़्यादा पावरफुल वैल्यूज होती हैं। तो इसलिए अगर आप लाइन चार्ट में ड्रा करते हैं तो मैं रिकमेंड आपको करूँगा कि आप इसके अंदर ड्रा करें, जैसे कि मैं ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ, और दूसरी अगर आप देखें तो ये इस तरह से थी कुछ। अब अगर इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करें तो आप देखें मार्केट ने कितना ज़्यादा इसको वो किया है, इसको कितना ज़्यादा इसको फॉलो करती रही है। उसके बाद जैसे इसने इस ट्रेंड को ब्रेक किया तो ये नीचे गिर गई, और फिर इस ट्रेंड लाइन को ये ट्रेंड खत्म हो गया। अगर हम इसको अब शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमें ज़्यादा आसानी के साथ पता चल जाएगा कि ये क्या हुआ था। ये देखिए 15 मिनट का है, लेकिन हम इसको छोड़ ही देते हैं फिलहाल, वैसे हम ट्रेंड लाइन को ड्रा करते हैं, और ये मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये देखें, अच्छा जी अब मेन एक ट्रेंड लाइन जो अगर हम देखें अपने चार्ट के ऊपर, तो एक ट्रेंड तो ये है जो हमें नज़र आ रहा है सामने, दूसरा अगर हम देखें तो ये है। अच्छा अब यहाँ पे देखें आप गौर करेंगे, मैं तो यहाँ पे पेन ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको सही समझ आ सकूँ मैं, तो एक मिनट जस्ट।
तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने इस ट्रेंड लाइन को जैसे बनाया, उसके बाद इसने यहाँ से इसको फॉलो किया, बिल्कुल उसके ऊपर से इसने सेल आप ले सकते थे। अब यहाँ से आप बाय ना भी लें ट्रेंड्स, क्योंकि सेल का तो जैसे ही मार्केट हाई लगाएगी, यानी कि यहाँ पे आप अगेन सेल कर सकते थे, यहाँ पे सेल कर सकते थे, और ये आप बेशक ना करते। फिर जैसे इसने ब्रेक किया, तो ये दोबारा उस एरिया को टेस्ट करने गया, और दोबारा उस एरिया को टेस्ट करने गया, और दोबारा गिर गया। अब ये पहले, अब देखें ट्रेंड लाइन को कितनी ज्यादा इसको फॉलो कर रहा है, कि पहले इसको ये सपोर्ट के तौर पे ले रहा था, और जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, तो अब इसे रेजिस्टेंस बना रखा है। अब जैसे कि गोल्ड अभी भी ये ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से ये इस एरिया को दोबारा से टेस्ट कर सकता है, और फिर अगेन गिर सकता है, अगर ये इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है। देखें ट्रेडिंग के अंदर कोई भी 100% चीज़ नहीं होती कि मैं यहाँ पे बता दूं कि आप यहाँ से सेल कर लें या बाय कर लें, ऐसा नहीं होता। हमने फोरकास्ट करना होता है, या एक जो माजी है उसको देखते हुए कि वहां पे कैसे कैसे मार्केट मूव की थी, उसके हिसाब से फिर हम आगे नेक्स्ट जो है वो अपना ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा जी, अब हम 5 मिनट के अंदर कुछ बनाते हैं, 15 मिनट के अंदर बल्कि बना लेते हैं। और ये देखिए 15 मिनट के अंदर पहले तो ट्रेंड ये था, ये वाला, और ये वही ट्रेंड है जो हमने पहले भी बनाया, ये था। फिर उसके अंदर ये ट्रेंड था आज, बल्कि जो मार्केट अभी, आज क्या 3 मार्च है, तो हमने ट्रेड भी एक की है, और मैंने जो अपना फेसबुक ग्रुप है उसमें पोस्ट भी किया था। यहाँ पे देखें, अब ये ट्रेंड था, और इसने जैसे इस ट्रेंड के अंदर ये मार्केट चलती रही, कि मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखें इसने इसको यहाँ से किया, अब यहाँ से बाय कर सकते थे, फिर नीचे आया बाय कर सकते थे, फिर बाय कर सकते थे, क्योंकि ये आप ट्रेंड था, फिर आप यहाँ पे बाय करते, लेकिन ये इसको एक स्टॉप लॉस आपका हिट शायद हो जाता, या फिर आप इसका वेट करते कि आप जो इसको ब्रेक करने के बाद आप इसको कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ भी थी, वो था जोन, और इसीलिए हमने इसको वो किया था, सेल किया था, मैंने अपने ग्रुप में पोस्ट भी किया था, ये आप बिल्कुल इस तरह से देख सकते हैं, ये जोन था। अब यहाँ पे दो चीज़ें थी, जोन भी था, और ट्रेंड लाइन को इसने यहाँ से ब्रेक भी कर दिया। जैसे इसने यहाँ पे ब्रेक किया, तो हमने यहाँ पे सेल की एंट्री ली, और इतना प्रॉफिट हमने जनरेट किया। अभी अगर आप देखेंगे, तो मेरी इससे जो लास्ट वाली वीडियो है, इससे पहली वीडियो, उस पर मैंने ये सेम एंट्री करवाई है, और यही मैंने फोरकास्ट किया था कि यहाँ से अगर ये इस तरह से मूव करता है, सेल करता है, तो आप यहाँ से सेल करेंगे, और जो हमारा टीपी था वो 1708 था, ये वाला एरिया जो कि हिट हो गया, और इसने बिल्कुल एक लो लगा के दोबारा से ऊपर, अब ये दोबारा इसी एरिया को टेस्ट कर रही है, ठीक है। अच्छा जी, एक और चीज़ देखते हैं, दोबारा से इसको देखते हैं, अब एक और ट्रेंड लाइन अगर देखें, तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन है, ये वाली, या आप ऐसे कर लें, ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब ये इसके बिल्कुल ऊपर है, और यहाँ से भी अगेन मार्केट जो है वो नीचे गिर सकती है, क्योंकि ये इसी ट्रेंड को फॉलो कर रही है मार्केट, ठीक है। तो ये भी एक सिचुएशन, इस तरह से आप ट्रेंड लाइंस बनाते जाते हैं। अब अगर हम इसको एक और में चलें, देखते हैं, हम अगर इसको मैं इसको डिलीट करता हूँ, और हम इसको M5 में या M1 में देखते हैं, M1 में भी ट्रेंड को फॉलो करते हैं मार्केट, और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इसमें वो चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें ये एरिया, अब अगर आप इसको देखते हैं और सेल करने की आप सोच रहे हैं, तो आप वेट करेंगे ये दोबारा इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाए, तो आप यहाँ से सेल अगेन कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ भी है, अगर आप यहाँ पे देखें, तो ये आपका जोन भी है, यानी कि इसने यहाँ से इसको सपोर्ट बनाए रखा था, और दोबारा से इसको टेस्ट कर रहा है इस एरिया को, तो यहाँ से अगेन भी आप सेल के बारे में सोच सकते हैं मार्केट में, और अगर ये ऊपर क्रॉस कर जाता है, तो फिर हम बाय की पोजीशंस को देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्या है। लेकिन मेन जो टाइम फ्रेम है, उसके अंदर भी ट्रेंड आपने फॉलो करना होता है, ये नहीं है कि सिर्फ आप इसी को देखेंगे, क्योंकि सबसे पहले जो मार्केट फॉलो करेगी, जो ज़्यादा पावरफुल ट्रेंड होगा, वो हायर टाइम फ्रेम होगा, हायर से फिर नीचे। अब जैसे कि 1 मिनट का हायर टाइम फ्रेम, 15 मिनट H1 वो आप कह सकते हो, या अगर आप 15 मिनट में कर रहे हो, तो आपका H4 H1 आपका हायर टाइम फ्रेम है, उसमें देखें। और अगर आप 30 में ट्रेड कर रहे हो, आप उसके अंदर ट्रेड ढूंढ रहे हो, तो फिर आप H4 और Day 1 के अंदर जो है वो उसको देख सकते हैं। लेकिन ये एक
डिफरेंट टॉपिक है, इसके ऊपर हम अगेन बात करेंगे। आज हमने देखा कि ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं, तो ट्रेंड लाइन आप इसी तरह से आप ड्रा करते जाते हैं, जैसे जैसे उसके ट्रेंड बनते हैं आप उसको ड्रा करते। होप्स हो कि आप इस चीज़ को समझे होंगे और आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। जैसे कि ये देखें, ये ट्रेंड लाइन था और ये ट्रेंड लाइन था। अब इसने जैसे इसको ऊपर से ब्रेक किया है, ये देखें, जैसे उसने इसको ब्रेक किया ऊपर, तो आप यहाँ से बाय कर सकते थे। और ये इसका नेक्स्ट जो एरिया था ऊपर, हमें जोन नज़र आ रहा था, उस तक आप टीपी जो है वो रख सकते थे। और ये कितना मूव किया है, 17:11 से ये 17:22 पे चला गया, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट आप यहाँ से गेन कर सकते थे इतनी सारी मूवमेंट के अंदर से। तो जस्ट आपने ट्रेंड्स फॉलो करने, और जैसे जैसे ट्रेंड ब्रेक करेगा तो आप नेक्स्ट ट्रेंड की तरफ उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस करके रखें। अल्लाह हाफिज़।